प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के आह्वान पर हमीरपुर में भी एक नौजवान ने सीख लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया और आज अपनी आर्थिकी सुदृढ़ की है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 लालड़ी गांव के प्रविंदर सिंह पिछले 2 सालों से फूलों के अलावा औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नर्सरी के काम में जुटे हुए प्रविंदर सिंह महीने में 10 से 15 हजार रुपए की आमदन कमा रहे हैं, तो बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार अपनाकर रोजगार कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रविंदर सिंह ने अपने घर के साथ ही खेतों में नर्सरी को हाईटेक तरीके से तैयार करने के बाद दोसड़ का चौक पर अपनी दुकान से बेचा जाता है, जिससे लोगों को भी बढ़िया पौधों और फूलों की नर्सरी आसानी से मिल जाती है। किसान प्रविंदर सिंह ने बताया कि पहले फोटोग्राफी का काम करते थे, लेकिन अब खेतीबाड़ी की ओर रुख किया है। उन्होंने बताया कि पौधों और फूलों की नर्सरी तैयार करके बेच रहे हैं, जिससे अच्छी आमदन हो रही है तो घर का खर्च भी बढ़िया निकल जाता है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में कुछ नर्सरी की डिमांड कम रही थी, लेकिन अब नर्सरी की डिमांड बढ़ गई है। देखो जी, नरेंद्र मोदी जी की वजह से तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और वो बहुत ही अच्छे हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। उनसे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जो हमारे देश को खड़ा किया, तो उनका काफ़ी है। उन्होंने हमारे जो हिंदुस्तानी वासी है, उनको काफ़ी उन्होंने समझा कर अपने देश को कैसे उन्होंने खड़ा किया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज देश जो है काफ़ी आगे जो है बढ़ रहा है, और उनकी जो प्रेरणा थी वो मेरे लिए एक मिसाल बन गई है। तो मैं जो मेरा नुकसान हुआ था पीछे, तो उसको छोड़ के मैं नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में चला हूँ और उसमें सक्सेस हो रहा। आज के युवाओं को जो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश है आपका? नर्सरी में ऐसे जी अगर सही ढंग से काम करेंगे तो मतलब उसमें काफ़ी पैसा है, और थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, और बिना मेहनत से तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे जो है मतलब हर एक जो काम है वो सही रास्ते पे आ जाता है। किसान प्रविंदर सिंह का कहना है कि पीएम मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूं और मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा से ही आज नर्सरी के व्यवसाय में अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया है कि वे स्वरोजगार अपनाकर रोजगार कमाएं और मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। नर्सरी में मेरे आने का या मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ना कुछ इसमें करके दिखाऊँ, और मैंने करके भी दिखाया। फोटोग्राफी मैंने काफ़ी टाइम मैंने फोटोग्राफी में काम किया है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रुचि लगी, और मतलब एक मैंने शौक बनाना था कि इसको मैं अभी फोटोग्राफी तो कर लिया, अब मैं थोड़ा सा प्लांटेशन के बारे में ये करूँ। तो मैंने नर्सरी तैयार की, और मैंने जो खुद जो प्लांट जो है अपने तैयार करता हूँ, काफ़ी प्लांट में अपने तैयार करता हूँ, फूल के हो, वेजिटेबल वगैरह के हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा ये है। और जो हमारे आने वाले युवा हैं उनके लिए एक अच्छा ये है, इसमें थोड़ा सा मेहनत है और आमदनी ज़्यादा है, तो काफ़ी इसमें पैसे की संभावना है अगर इसको सही ढंग से किया जाए। क्योंकि मैंने दो सड़कों में मेरी दुकान है, और मैं अपने जो फूल के प्लांट हैं और जो वेजिटेबल के प्लांट हैं उनको मैं समय समय पर अच्छी वैरायटी के तैयार करके मतलब किसानों को देता रहता हूँ, और काफ़ी जो मेरे से लेते रहते हैं और अच्छा रिजल्ट निकलता है। अगर आमदन की बात करें तो क्या आमदन के बारे में क्या बात शेयर करेंगे? आमदन इसमें अच्छी है, मतलब अच्छे प्रकार के आप बीज लगाएंगे और रिजल्ट अच्छा निकलेगा तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे। अगर घटिया टाइप के बीज लगाएंगे आप तो ग्राहक दोबारा नहीं, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलता है, और काफ़ी डिमांड मेरे को पहले आ जाती है कि मेरे को इतने पौधे लौकी के चाहिए, इतने पौधे खीरे के चाहिए, इतने पौधे मतलब हर प्रकार के, मतलब अच्छा पहुँच रही है। मैं पहले तो अब आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से हमारा क्या सभी का ही मतलब काफ़ी नुकसान हुआ, और मेरा भी काफ़ी नुकसान हुआ लॉकडाउन की वजह से। मैं कुछ मेरा जो भी था प्लांट वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि दुकानें बंद थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इसको मतलब कर रहा हूँ और अच्छे
इस पे आ रहा हूँ। स्थानीय निवासी का कहना है कि प्रविंद्र सिंह के द्वारा अपने घर में औषधीय पौधों और फूलों की नर्सरी को तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने नर्सरी का भी काफी विस्तार किया है और अपने घर में ही जो इनकी जमीन है उसमें उन्होंने प्लांट अच्छे तैयार किए हैं, जैसे अश्वगंधा है और दूसरे औषधीय प्लांट है, जैसे कि बहेड़ा है, आंवला है और नागफली है। तो ये सब पौधे जो हैं ये परविंदर सिंह जी ने अपने घर में पैदा किए हैं। क्या कहने के जैसे दूसरे युवा भी है, क्या संदेश होगा इसमें? हाँ, मेरा संदेश ये है कि हम प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमारी सबसे उम्मीद है कि वो भी इस कुदरत के साथ जुड़ें और प्लांट तैयार करें ताकि उनको रोजगार के साधन भी बने। स्थानीय निवासी विकास का कहना है कि प्रविंदर सिंह ने नर्सरी का बहुत बढ़िया काम शुरू किया है और बाकी युवाओं को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रविंदर सिंह ने जायका प्रोजेक्ट में भी बेहतर काम किया है। बिकू भाई ने नर्सरी का काम शुरू किया और ये युवा वर्ग को काम सीखना चाहिए और बहुत अच्छा काम है ये। और इन्होंने पहले जायका में भी काम किया और जायका में भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और जायका में इनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। और युवा जो है उनको इनसे सीख लेनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार पैदा कर सकें। आपको बता दें कि कृषि और बागवानी में नए नए प्रयोग करने वाले किसान प्रविंदर सिंह को तत्कालीन सरकार के कृषि मंत्री ने बेस्ट किसान अवार्ड से भी नवाजा था। प्रविंदर सिंह के द्वारा नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पौधों के अलावा फूलों के अलावा औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार कर आमदन कमा रहे हैं। इससे पहले प्रविंदर सिंह ने काफी समय तक फोटोग्राफी का व्यवसाय किया और बाद में कृषि बागवानी में दिलचस्पी होने से इस ओर रुख किया।